हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका। मेरी किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं भड़वा बैगन की नौजे की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। इसे आप पूरी, पराठे, चावल, दाल के साथ खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। भड़वा बैगन कलौंजी बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, बैगन को हमने धो के कपड़े से पोंछ लिया है। अब हम इस बैगन के बीच में एक चीरा लगाएंगे। तो ऐसे हम यहां से शुरू करेंगे और ऐसे चीरा लगाएंगे, और ये जो स्पेस बचा है इसमें हम मसाला स्टॉप करेंगे। एक किनारे के पॉइंट को हम निकाल देंगे ऐसे। कोई कोई तो डंठल हटा के भी बनाता है, तो हम दो बैगन डंठल हटा के भी आपको बता देंगे। तो ऐसे हम इसमें स्टॉफ करेंगे। बाकी का भी बैगन हम ऐसे ही काट लेंगे, उसका ये जो पार्ट है उसे हटा देंगे बैगदम, और बीच से ऐसे हम चीरा लगा देंगे। नीचे ज्वाइंट रहना चाहिए, इतना ध्यान रखना है। इतना जगह काफी होता है मसाला भरने के लिए। एक बिना डंठल वाला बैगन हम दिखा देते हैं। डंठल हमने बिल्कुल हटा दिया है और इसमें हम ऐसे चीरा लगा दे रहे हैं, और इसके बीच में हम मसाला भरेंगे। तो इस पार्ट को हमें ज्वाइंट ही रखना है, इसमें हमें चाकू नहीं लगाना है। तो चलिए ऐसे ही हम सभी बैगन काट लेते हैं। हमने सभी बैगन में ऐसे कट लगा लिया है। कुछ डंठल वाला है, कुछ का डंठल हमने निकाल दिया है। तो ऐसे में कीड़ा भी चेक हो जाता है कि अपना बैगन एकदम फ्रेश है। अब हम गैस की तरफ चलेंगे। गैस पे हमने एक कढ़ाही रख लिया है। हम गैस को ऑन करेंगे। कढ़ाही को अच्छे से गर्म करना है। कढ़ाही गर्म हो चुका है, हम गैस को कम कर लेंगे, यानी कि एकदम स्लो फ्लेम पे। इसमें हम 4 चम्मच बेसन डालेंगे, क्योंकि हम 300 ग्राम बैगन की भरता बनाएंगे। बेसन को हम ड्राई रोस्ट करेंगे। 4 से 5 मिनट तक हमें इसे स्लो फ्लेम पे रोस्ट करना है, यानी कि भून लेना है। बेसन को हमने 3 से 4 मिनट तक भून लिया है। अब हम इसमें मसाला ऐड करके भून लेंगे। तो हम इसमें हल्दी डालेंगे, हम 2 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, 2 चम्मच हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे। सारे मसाले को हम बेसन के साथ 1 मिनट तक भून लेंगे, जिससे कि मसाले का कच्चापन निकल जाएगा। बेसन के साथ हमने मसालों को भून लिया है। इससे क्या होता है, बेसन और मसाले का कच्चापन चला जाता है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच तेल। तो हम तो सरसों का तेल डाल रहे हैं, आप जो भी तेल खाते हैं वो डालिए, और तेल भी इसे हम मिक्स कर लेंगे। अब हम डालेंगे इसमें नींबू का रस। तो यहाँ पे 1 बड़ा नींबू का रस हमने निकाल लिया है। आप चाहें तो यहाँ अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, पर हमारे पास फ्रेश नींबू का रस था तो हम नींबू का रस डाल रहे हैं, और इसे भी हम मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे और सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमें गैस का फ्लेम बंद कर देना है और इसे चलाते रहना है, क्योंकि कढ़ाई गर्म है। तो हम 1 से आधा मिनट तक इसे और चला लेंगे। तो ये अपना भड़वा बैगन कलौंजी के लिए मसाला रेडी है। अब हमें क्या करना है, एक एक बैगन को लेना है और इस स्टफिंग को
ऐसे थोड़ा थोड़ा डालते हुए अंगुलियों से हम इसे दबा देंगे। ये बहुत ही टेस्टी बनता है। तो जितना इसमें अट पाए उतना हम मसाला भर लेंगे और बाहर का पार्ट जो है वो पोंछ लेंगे, नहीं तो ये तेल में जलने के बाद इसका टेस्ट खराब लगता है। अब हम इसे इसी प्लेट में साइड में रखते जाएंगे और ऐसे ही सारे बैगन को हम भर के तैयार करेंगे। हमने सभी बैगन में मसाला भर लिया है। अब हम गैस की तरफ चलेंगे। गैस पे हमने एक पैन में 2 बड़ा चम्मच तेल ले लिया है। गैस को हम ऑन कर लेंगे। तेल में हम थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा सौंफ डालेंगे और थोड़ा सा हम हींग डालेंगे। इसे हम हल्का सा चटकने देंगे, हमें इसे जलने नहीं देना है। अब हम क्या करेंगे, ये भरा हुआ बैगन इसमें डाल देंगे। ऐसे हम बैगन को डाल देंगे। अब हम क्या करेंगे, एक कवर से इसे कवर करके और 6-7 मिनट बाद हम चेक करेंगे। हम कवर हटा के एक बार चेक कर लेंगे। आप देख सकते हैं इस साइड से बैगन अपना जो है सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसको दूसरे साइड से ऐसे टर्न कर लेंगे। सभी बैगन को हम ऐसे घुमा घुमा के 2 से 3 बार फेंकेंगे, यानी कि अपनी बैगन जो है अच्छे से एकदम पक जानी चाहिए। सभी बैगन को हमने टर्न कर लिया है। अब फिर से हम कवर लगा के और 2-4 मिनट बाद सेक कर करके 3 से 4 बार हम इसे उलट उलट के सेक लेंगे। चलिए हम बैगन को फिर से चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं अपनी बैगन एकदम अच्छे से फ्राई हुई है। जिधर हमने फिलिंग भरा था वो भी एरिया एकदम क्रिस्पी हो गया है। एक बैगन को हम आपको दबा के दिखा देते हैं। देखिए एकदम ये गल चुका है, हमें ऐसे ही बैगन चाहिए। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर लेते हैं और इसे कवर करके 1-2 मिनट छोड़ के हम प्लेटिंग करेंगे। भड़वा बैगन लौजी तैयार है। इसे बनाना कितना आसान है आप लोगों ने देख ही लिया और खाने में तो बहुत ही जबरदस्त टेस्टी होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आज की मेरी ये भड़वा बैगन की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।